सब्सक्राइब कीजिए अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कर लीजिए ऑल पे क्लिक। आप ज्वाइन भी कर सकते हैं अजू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को। 59 रुपीज़ मंथली देने पड़ेंगे, फिर मिल जाएगी आपको हर क्लासेस की PDF फाइल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अज्जू एजुकेशन पर। तो आज है 14 जनवरी और 14 जनवरी से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और जो अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, और जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने अपना नया लोगो अपनाया है। हमारे सामने ऑप्शन है पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ने 9 जनवरी 2020 को हाल ही में अपनी विधानसभा का एक नया लोगो अपनाया है या लॉन्च किया है। तो जो राज्य की विशिष्ट पहचान व संस्कृति को दर्शाता है जो नया लोगो बनाया गया है वो, और इस नए लोगो में भारतीय संविधान की संघीय प्रणाली और फूलों के जो आर्किटिक दर्शाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और दूसरे प्रश्न पर। अगला और दूसरा प्रश्न है हमारे सामने कि भारत के किस राज्य में इंदिरा गांधी स्टेडियम में 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है गुजरात, बिहार, दिल्ली या असम। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असम। तो असम की जो कैपिटल है कौन, क्या है कैपिटल असम की? असम की कैपिटल है गुवाहाटी। गुवाहाटी के अंदर आयोजित किया जाएगा इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो 3rd खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसका उद्घाटन किया जाएगा। और उद्घाटन किया किसने है? जो वहाँ के असम के मुख्यमंत्री है, कौन है असम के मुख्यमंत्री? वो है सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल ने इन जो गेम्स है इनका उद्घाटन किया इंदिरा गांधी स्टेडियम असम गुवाहाटी में। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और तीसरे प्रश्न पर। अगला और तीसरा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 कहाँ शुरू हुआ है। हमारे सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, वहाँ पर शुरुआत हुई है 23वां जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव है उसकी। तो जो स्वामी विवेकानंद की जयंती है 12 जनवरी, 12 जनवरी को हमारे देश में कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया है। और इसी मौके पर जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए देश के युवाओं से अपील की है कि 2020 में स्थानीय उत्पादों को खरीदने का प्रयास करें ताकि देशवासियों की प्रत्यक्ष रूप से मदद की जा सके। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और चौथे प्रश्न पर। अगला और चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किसे एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामांकित किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है पीवी सिंधु, हिमा दास, रानी रामपाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी रानी रामपाल। तो हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नॉमिनेट किया गया है। कौन है रानी रामपाल? जो हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, जिनकी स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और पांचवें प्रश्न पर। अगला और पांचवा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में जारी ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। हमारे सामने ऑप्शन है विराट कोहली, KL राहुल, बाबर आजम या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी जो बाबर आजम है, पाकिस्तानी बल्लेबाज है बाबर आजम, जिन्होंने विराट कोहली को पछाड़कर अपने आप को आगे यानी 11वां शतक जड़कर उन्होंने एक बेहद खास रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तानी खिलाड़ी है बाबर आजम, जो ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बल्लेबाजी की रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और छठे प्रश्न पर। अगला और छठा प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में हैतम बिन तारिक अल सईद ने किस देश के नए सुल्तान के रूप में पदभार संभाला है। हमारे सामने ऑप्शन है ईरान, ओमान, इराक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ओमान। तो ओमान के जो पूर्व सुल्तान थे कौन थे, सुल्तान काबूस बिन सईद का, जो 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, और उन्हीं के चचेरे भाई है कौन है, हेतम बिन सईद जो तारिक अल सईद है, वो उनके उत्तराधिकारी बने हैं। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और सातवें प्रश्न पर। अगला और सातवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में ओबेदी सिद्दीकी का निधन हुआ है, वे कौन थे। हमारे सामने ऑप्शन है पत्रकार, गायक, कवि या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कवि। तो जो ओबेदी सिद्दीकी थे वो एक बेहतरीन उर्दू कवि थे जिनका हाल ही में 67 साल की उम्र में निधन हो गया है, और साथ में ये एक शिक्षाविद भी रह चुके हैं जिनका हाल ही में लंबी बीमारी के चलते अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और आठवें प्रश्न पर। अगला और आठवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। हमारे सामने ऑप्शन है संजय गुप्ता, युवराज मलिक, ए शक्तिवेल या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी युवराज मलिक। तो लेफ्टिनेंट जो जनरल युवराज मलिक है उनको नेशनल बुक जो ट्रस्ट है उसका निदेशक नियुक्त किया गया है। मलिक साहित्य अकादमी विजेता भी रह चुके हैं, और जो वर्तमान निदेशक है वो कौन है, रीता चौधरी। तो उसकी जगह लेंगे कौन, लेंगे युवराज मलिक, जो लेफ्टिनेंट जनरल युवराज मलिक है वो लेंगे रीता चौधरी की जगह। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं अगले और नौवें प्रश्न पर। अगला और नौवां प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में यशस्वी योजना की शुरुआत किसने की है या उद्घाटन किसने किया है। हमारे सामने ऑप्शन है रामनाथ कोविंद, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्मृति ईरानी। तो जो हमारे केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्री है स्मृति ईरानी, तो उन्होंने महिला उद्यमिता जो योजना है यशस्वी, उस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, कहाँ की है, गोवा में। ठीक है, इसके बाद ध्यान देते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। आज का आखिरी प्रश्न है हमारे सामने कि हाल ही में किस राज्य के चिड़ियाघर का नाम अशफाकुल्ला खान के नाम पर रखा जाएगा। हमारे सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर है वहाँ पर जो एक चिड़ियाघर बनाया जाएगा उनका नाम रखा जाएगा, जो शहीद अशफाक उल्ला खान है उनके नाम पर उस चिड़ियाघर का नाम रखा जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप सभी को दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसी प्रकार से आप सभी को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए इस वीडियो को। तो आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।